हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी का कुछ ऐसा सीन है कि जो है जैसलमेर का हमारा दूसरा दिन है और जो है आज जो है चलते हैं जैसलमेर और घूमते हैं और यहाँ पे क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा वो सब दिखाते हैं। गाइस, अभी जो है जैसलमेर के जो है हनुमान चौराहा है और यहाँ से जो है पूरे शहर के लिए ऑटो मिलती हैं, तो अभी इसी चौराहे पर हम खड़े हैं। और ये देखो हनुमान चौराहा है पूरा, ये देखो ये जो है पूरा हनुमान चौराहा है और यहाँ ये सब ऑटो खड़ी हैं और यहाँ से जो है शहर के लिए ऑटो मिल जाती हैं, स्टेशन से भी ऑटो मिल जाती हैं। ये देखो पूरा हनुमान चौराहा है, ये देखो। और अभी हम यहाँ खड़े हैं। आज का जो है सफ़र हमारा जो है अभी बज गए हैं 11 और 11 बजे से जो है हम अब चलते हैं और अब आगे आगे कहाँ चल रहे हैं वो आपको पता चलेगा। और ऐसा कुछ यहाँ का भी नज़ारा है और बहुत ही यहाँ घूमने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और ये सब देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। ये पूरा जो है आज का हमारा सफ़र चालू हो गया। आज जो है एक भी रुपया नहीं खर्चा करना है और हिचाइकिंग करके जाना है। कैसे जाएंगे वो सब कुछ जो है पता चलेगा। और अभी जो है और यहाँ से जो है चालू करते हैं और अभी का जो है सफ़र है कहाँ तक चलेंगे शाम तक हमें भी नहीं पता है। ठीक, अब ये धीरे धीरे जो है आगे, तो अभी जो है रोड पर चल रहे हैं। अभी जो हमको एक भी लिफ्ट नहीं मिली है और ऐसे ही पैदल चल रहे हैं। 2 किलोमीटर जो है पैदल चल करके आ गए हैं। अगर कोई लिफ्ट मिल जाती तो ठीक है, पर आज जो है एक भी रुपया खर्चा करने का प्लान नहीं है और अभी चल रहे हैं आगे। और अभी चलते हैं, अगर लिफ्ट लेंगे और लिफ्ट लेकर के चलेंगे। और आज का यही प्लान है पूरा कि लिफ्ट लो और लिफ्ट लेकर के घूमो। और जैसा कि अभी देख सकते हो हमारे पीछे हाईवे है, इस हाईवे पर हम खड़े हैं और हाईवे से चल रहे हैं। और अभी यहाँ पर क्या है कि जो लोग टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं इस वजह से थोड़ा सा लिफ्ट मिलने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए भी हाईवे में आधा घंटा से हम खड़े हैं। करीब आधा घंटा हो गए हैं और यहाँ खड़े हाईवे से साधन मिलता है तो फिर चलते हैं। तो अभी जो हमको 5 किलोमीटर की लिफ्ट जो है दिया है भाई साहब ने, और कानपुर से हो ना? कानपुर से है। और ये भी पहली लिफ्ट लिया और कानपुर से ही मिल गए, अपने घर से ही मिल गए और यहाँ पर हमको छोड़ दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, होता है ना कि अगर कोई काम जैसे सोचो तो सोचते रह जाओगे। अगर कोई काम जैसे आपको करना है तो अगर मन में तुम्हारे ख्याल आया कि हमको ये काम करना, तो वो काम करके एक बार देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा पहली लिफ्ट लिया और हमको लिफ्ट भी मिल गई, मतलब कि लिफ्ट मिली और फिर समझ लो हमारे यूपी से ही है और कानपुर से मिल गए और यहाँ पे ये जॉब करते हैं किले में। और अभी यहाँ पे हमको छोड़ दिया, यहाँ बड़ा बाग हमें आना था तो हम बड़ा बाग जो है आ गए हैं और उनको थोड़ा पहले उतरना था, हमको 2 किलोमीटर आगे आ करके छोड़ा। और यहाँ पे पूरी जो है पवन चक्कियाँ लगी हमारे पीछे और दिखाते भी पवन चक्की जो लगी। गाइस देखो पवन चक्की चल रही है और यहीं पर जो है हमका आवेक रहा है और यहाँ पर आगे आज से पहले जो हम कभी नहीं देखा रहा है पवन चक्की, सिर्फ फ़ोन में या पढ़ा रहा है पवन चक्की के बारे में। आज जो है इनका देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब देखो मैं जो है पीछे पवन चक्की चल रही, बहुत सारी पवन चक्की हैं। ये देखो सब ये जो पवन चक्की लग रही हैं। पहले हमको लगता था कि ये जो दूर से चलती हैं धीरे धीरे चलती हैं, पर यहाँ जब पास आए ना, अब ये देखो बहुत तेज़ चल रही पवन चक्की जो चल रही है, काफ़ी तेज़ इसका जो है पंखा चलता है, तब इससे जो है लाइट बनती है इस पवन चक्की से। और अभी जो हम इधर ये हाईवे पर खड़े हैं और ये देखो, और हाईवे से अब चल रहे हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ। तो गाइस यहाँ जो है जैसलमेर में हम हैं और यहाँ से जो खड़े हैं जहाँ पर, यहाँ पे बहुत सारी अभी देखा है ना कि पवन चक्की लगी है और यहाँ से हर 5 मिनट लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर और वो जो जाते हैं बहुत सारे उड़ा करते। कहा है कि बगल में इंडिया और पाकिस्तान का जो है बॉर्डर है और यहीं से 100 किलोमीटर है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, वहाँ जो है ट्रेन नहीं जाती है, वहाँ अगर जाना है पड़ता है तो साधन से जाना पड़ता है। अगर जैसा भी कुछ होगा आपको उसके भी ब्लॉग मिलेंगे आगे, अगर जाएंगे वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर। और यहाँ पर भी जो है जैसलमेर से जो है बहुत सारे जो है आर्मी कैंप है यहाँ से शुरू हो जाते, मतलब कि आर्मी वाले और बहुत सारे यहाँ दिखते हैं। अभी देखो जहाँ पर खड़े हैं ये सारे हमारे जो है पीछे सब पवन चक्की लगी हैं। एक तनोट माता का मंदिर है जो बॉर्डर पिक्चर में देखा होगा कि उसमें जो है पाकिस्तान तरफ से उस मंदिर पे बहुत सारे गोला बरसाए, पर उस मंदिर का जो है कुछ भी नहीं हुआ। उस मंदिर में जो है वो जो बम थे वो रखे जैसे मतलब कि दागे गए, वो फटे ही नहीं बम, वैसे के वैसे ही बम जो है अभी मंदिर में रखे हैं। और अभी तब तक ये तो गाइस ये जो देख रहे हो ये जो मंदिर जैसे बने हैं
तो इसका मतलब पता क्या, ये जो जैसलमेर के जो राजा हैं तो इनकी छतरियां हैं। जैसा कि हमने इससे पहले आपको जोधपुर वाले जो आप सीरीज में देखा होगा वीडियो में, उसमें जो है पता चला होगा। तो अगर नहीं, अगर नए वीडियो देख रहे हो, अगर आपको नहीं पता, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये जो बड़ी छतरियां हैं ये राजा की होती हैं, और छोटी छतरियां रानी की। मतलब जो राजा स्वर्गवास होने के बाद जब राजा का देहांत हो जाता है तो उनको यहाँ ला करके उनकी जो समाधि, एक प्रकार से कहें ठीक, तो उनकी ये समाधि, जो बड़ा मंदिर राजा का, छोटा वाला रानी की, और उससे छोटे वाले या कोई उनके घर में बच्चा एक्सपायर हो जाता है तो उसका होता है। तो यहीं पे जो छतरियाँ बनी है ये देख सकते हो, अभी थोड़े समय पहले जो इनकी माता जी स्वर्गवास हुई थी उनकी भी छतरी बनी है। तो बस यही सारी जितनी ये देख सकते हो छतरियाँ, ये बस ये मंदिर जैसा बना होता है, एक इनकी जो है समाधि स्थल है राजा के, जैसलमेर, जो जैसलमेर प्रेजेंट में जो राजा हैं इन्हीं के वंशज जो हैं, जितने वंशज हुए हैं उनकी सब ये समाधि स्थल हैं। तो गाइस यहाँ जैसा कि पता है ना कि हम जैसलमेर में हैं, और यहाँ पे भी हम जितने दिन से राजस्थान में घूम रहे हैं तो हमें एक भी जगह वो नहीं दिखा कि जहाँ पर खेती होती हो। और अभी जो है हमारे पीछे ये जो देख रहे हो इसके, तो यहाँ पे कुछ बोया है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है 1.5 बीघे का खेत होगा, तो वहाँ पे जो है खेती होती है। अभी इसको हम बैक कैमरे से दिखाते हैं, अभी शायद कुछ कम दिख रहा होगा। ये जो टैंक जा रहा है यहाँ से जो है हमको पानी लेना पड़ा, और ये देखो बोतल में पानी लिए हैं। कहा है कि यहाँ पर हम जहाँ पर खड़े हैं ना, ये जैसलमेर है, और हमारे पीछे यहाँ नल वल कहीं नहीं है, टैंक को भी रुकाया था, तो उसके बाद ये पानी लिया है बोतल में पीने के लिए, और पानी पीते पानी हमने यहाँ पे भरा था। ये देखो वो जो पानी वहाँ पे पड़ा ना, वहाँ पे पानी भरा था, और तब तक यहाँ ऐसा कुछ। गाइस जैसा कि पता है कि अभी हम जैसलमेर हैं, और यहाँ से जो लोंगे वाला है टोरी जो है 100 किलोमीटर, जैसा कि भी देखो मैं पीछे सेना का ट्रक निकला है, और ये वाला जो हाईवे है यहाँ से जो है सेना का ट्रक जाता ही रहता है। यहाँ से पोखरण है इसके बगल में ही है, तो वहाँ पे पोखरण, और पोखरण से जो है लोंगे वाला ट्रक जाते आते रहते हैं। छोटी सी जो है जानकारी आपको दे देते हैं, अगर यहाँ जैसलमेर या लोंगे वाला या बॉर्डर देखना आना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसलमेर जैसे आओगे स्टेशन पे आओगे तो कम से कम 100-200 ऑटो वाले तुमको पकड़ लेंगे कि हमारे साथ चलो, हमारे होटल में चलो। बस से आओगे तो बस से उतरते ही तुमको छाप लेंगे। यहाँ पर आओ तो अपने मन से घूमो, नहीं तो एक दिन का कम से कम 25,000 रुपया लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा मेर है, लोंगे वाला है, कनक माता मंदिर हो, सब अपने हिसाब से घूम लोगे, और किसी ऑटो और उसके चक्कर में पड़ो, अपने से कभी आना यहाँ पर। जैसे यहाँ पे सम डिजिट है घूमने वाला, रात में यहाँ पर, वहाँ पे जो मरुस्थल है रेगिस्तान, तो वहाँ पे अपन प्रोग्राम करते हैं, और पार्क है, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, तो वो सब आपको धीरे धीरे ब्लॉग आते रहेंगे, उसके माध्यम से पता होता रहेगा। अब हम जाएंगे गाइस यहाँ पर जो जैसलमेर में है, जो हिंदी बोलते हैं और या अंग्रेज, हिंदी बोलने वाले दोनों को लूटते, लूटते सिर्फ एक ही आदमी बचता है जो राजस्थान को होता है, और जो राजस्थान की भाषा बोलता है उसको नहीं लूटेंगे, बाकी जो हिंदी बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा, उर्दू बोले। जो है अभी हमको ये दूसरी लिफ्ट मिली है, और ट्रैक्टर से आए थे पानी वाला, ये देखो टैंक है, इस पानी से आए थे, और ये भाई साहब ने लिफ्ट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक, और मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मिलते हैं। इनकी जो दूसरी लिफ्ट मिली थी, और अब तीसरी लिफ्ट के लिए यहाँ खड़े हैं सुनसान हाईवे में। अब यहाँ से हमको चलना है जैसलमेर, काहे कि काफ़ी समय हो गया इधर हम आए थे, जैसा कि हम दिखाया था पूरे वीडियो में ठीक है। अब जो लिफ्ट मिलती है चलते, अभी तो ट्रैक्टर में बैठ के बहुत मज़ा आया, कहा है कि काफ़ी दिन के बाद जो है ट्रैक्टर में बैठने को मिला, और लिफ्ट मिली थी ये सिर्फ 500 मीटर की मिली थी छोटी सी, तो उनको थोड़ा सा जल्दी था इस वजह से जो है वीडियो नहीं बना पाए, और अब खड़े हैं और दूसरी लिफ्ट के लिए, और उसके आगे जो है चलते हैं। तो अभी जो है जैसलमेर पहुँचने में अभी थोड़ा सा दूर है काफ़ी, और तब तक अभी यहाँ पर देखो रात भी हो गई है, और रात होने वाली है, बज गए हैं 6:30। जैसा कि आज हमने बोला था कि 1 रुपया नहीं खर्चा करेंगे और पूरा दिन जो है घूमेंगे, तो अब हम घूम टहल के जो आ चुके हैं जैसलमेर, और अभी एक
तो उनके साथ बैठते रहे, वो कह रहे थे ये मतलब उनको बड़ा अजीब लगा, ये कौन सा पागलपन है। हमने कहा है बस हमें जो है पूरा भारत घूमना है, और अभी जो है शहर में है जैसलमेर, अब चल रहे हैं, कहाँ रुकना भी वो भी आगे आपको पता चल जाएगा। ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और जो चेकिंग करके बहुत ही मज़ा आया, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी कहाँ खड़े हैं ये आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा।